में हर किसी को कभी भी कैसे भी हो सकता है। डेंड्रफ या रूसी, यह एक ऐसी समस्या है जो शुरू तो बहुत छोटी सी समस्या से होती है, मगर इसके कारण कई बड़ी बड़ी स्किन की डिजीज भी हो जाती है। डेंड्रफ के कारण है बैलेंस डाइट न लेना, कॉन्स्टिपेशन का बना रहना, आपका इम्यून सिस्टम का वीक होना, शरीर में टॉक्सिन्स का जमा होना। जे आप बार बार शैम्पू बदलते अगर हैं तो ये ना बदलें। बार बार अगर आप तेल बदलते हैं वो भी जल्दी ना बदलें। आप अगर बहुत ज्यादा हार्ड वाटर यूज करते हैं तो वो भी ना करें। यह सब डेंड्रफ को जन्म देता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर से हम जुड़े हुए हैं डाइटिशियन वृंदा खांडवे जी से। वृंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार। वृंदा जी, बालों की समस्याओं से अक्सर लोग परेशान रहते हैं और एक आम समस्या है जो कि सभी जगह देखने को मिलती है, अक्सर सभी के सिरों में देखने को मिलती है। हो ना हो लाइफ में एक आध बार तो डैंड्रफ हो ही जाता है। तो ये डेंड्रफ क्यों होता है और इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं और इसे हम कैसे दूर हटा सकते हैं? डेंड्रफ आम समस्या। डेंड्रफ आपने जैसा कहा, सच में हर किसी को कभी भी कैसे भी हो सकता है। डेंड्रफ या रूसी, यह एक ऐसी समस्या है जो शुरू तो बहुत छोटी सी समस्या से होती है, मगर इसके कारण कई बड़ी बड़ी स्किन की डिजीज भी हो जाती है और कई तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो हमारे स्केल्प पे स्किन है, जो हमारी त्वचा है, वह त्वचा सिर में पर धीरे 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 जमा हो जाती है और यह डेड हो जाती है। और जब यह डेड हो जाती है तो यही डेंडअप बन जाती है और हमारे सिर में कई तरह की समस्या उत्पन्न होती है। डेंडअप से स्किन की कई तरह की डिजीज होती है। थोड़ा सा भी स्केल के ऊपर अगर डेंडअप जमे, या आपको इचिंग स्टार्ट हो या खराश हो, तो आप तुरंत अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, ज्यादा इसे बढ़ने न दें। डेंड्रफ दो प्रकार की होती है, एक ड्राई डेंड्रफ और वैक्सी डेंड्रफ। अब देखिए, यह इनका मुख्य कारण क्या है, डेंड्रफ होता क्यों है? आप इसे बहुत साधारण चीज नहीं समझिएगा। डेंड्रफ के कारण है बैलेंस डाइट न लेना, कॉन्स्टिपेशन का बना रहना, आपका इम्यून सिस्टम का वीक होना, शरीर में टॉक्सिन्स का जमा होना, आयरन की कमी और हार्मोनल डिस्टरबेंस, किसी कारण से आपका फंगल इन्फेक्शन। जे आप बार बार शैम्पू बदलते अगर हैं तो ये ना बदलें। बार बार अगर आप तेल बदलते हैं वो भी जल्दी ना बदलें। आप अगर बहुत ज्यादा हार्ड वाटर यूज करते हैं तो वो भी ना करें। यह सब डेंड्रफ को जन्म देता है। अत्यधिक शैम्पू करना, लड़कियां अल्टरनेट शैम्पू करती है, इससे भी डेंड्रफ होती है। केमिकल युक्त कई प्रकार की ऐसी चीजें यूज करती हैं बालों में, उससे भी डेंड्रफ होता है। खाने में हम फाइबर की कमी करते हैं, फाइबर इंटेक कम लेते हैं, उससे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन होता है और धीरे धीरे एक चेन बनती जाती है और वह डेंड्रफ को उत्पन्न करती है। अत्यधिक गरिष्ठ भोजन और मीठा खाना, अगर आप बहुत ज्यादा तला गला फास्ट फूड बहुत ये चीजें खाते हैं और बहुत मीठा खाने की जिनको आदत होती है, वो भी कहीं ना कहीं जाके आपके डेंडअप की समस्या को बनाए। बर्गर, पिज्जा, मैगी, यह सारी चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती हैं और बालों में तो बहुत ही प्रॉब्लम करती है। मैं ट्रीटमेंट करती हूँ और मेरे पास कई तरह ऐसे पेशेंट आते हैं, लड़कियां आती हैं, जिनकी यह सब चीजें बंद करने के बाद उन्हें बहुत जल्दी फायदा होता है। कोल्ड ड्रिंक बहुत लेना, चाय अधिक पीना, कॉफी अधिक पीना, यह सब चीजें हमें इन कई चीजों को जन्म देती है। इससे परहेज क्या करें कि ये चीजें ना हो? तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, कोल्ड ड्रिंक, चाय और बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन, मीठा भोजन, ये कम करें।
बहुत अच्छे से संतुलित आहार लें, वही बार बार सिट्रस फ्रूट, सीजनल फ्रूट्स, सलाद, ग्रीन वेजिटेबल और ड्राई फ्रूट्स यह बहुत अधिक लें। विटामिन सी का इंटेक अधिक लें, आयरन युक्त भोजन लें। यह सब चीजें आपको बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी, इससे आपकी समस्या का समाधान। अचार, बहुत लोगों को मार्केट का नया नया अचार खाने की बहुत अधिक आदत होती है। यह अचार भी हमारे लिए हानिकारक होता है, यह कम खाना चाहिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस न लें, जिनको छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेने की आदत होती है, तनाव में रहने की आदत होती है, उनको नींद कम आती है। और अगर आप भरपूर नींद नहीं लेंगे तो भी आपकी बालों की समस्या होती रहेगी। अब आपको क्या करना है कि डैंड्रफ ना हो, तो आप सबसे पहले आप हाइजीन का ध्यान रखें, बालों में स्वच्छता रखें, फाइबर इंटेक ज्यादा लें, संतुलित आहार लें, सीजनल फ्रूट्स लें, सलाद बहुत ज्यादा लें, ड्राई फ्रूट्स भी लें। एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स, आपकी एक मुट्ठी में जितने ड्राई फ्रूट्स आते हैं आपको डेली लेना है। आप ड्राई फ्रूट का शेक बना के भी पी सकती हैं। और फाइबर इंटेक जैसे कहते हैं तो फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में फाइबर बहुत अधिक मिलता है, यह आपको अच्छे से खाना चाहिए, जिसमें विटामिन सी मिले, विटामिन ए मिले, कई तरह के मिनरल्स हो, यह चीजें आपको लेनी चाहिए। अब क्या करें, आपको बालों को एक्सटर्नल क्या करें, यह तो डाइट की चीज हो गई, तो आपको बालों में ऑयल का मसाज करें। तेल का मसाज करने के बाद आपको स्टीम लेनी है और स्टीम लेने के आधे एक घंटे बाद आपको वॉश आउट करना है। अब कौन सा तेल सबसे पहले आता है कि आप हम तेल कौन सा लगाएं जिससे डैंड्रफ नहीं हो, तो इसके लिए एक तो रोगन बादाम बहुत अच्छा तेल है, उससे भी डैंड्रफ खत्म होती है और आपके सिर में की प्रॉब्लम जो धीरे धीरे बढ़ेगी वही रुक जाएगी, फिर वो कम हो जाएगी। उसके बाद गुड़हल का तेल, यह आप बना सकती हैं, बाजार में भी मिलता है। और कड़ी पत्ते का तेल, यह भी बहुत अच्छे से बनता है। और एलोवेरा और मेथी दाने का तेल, यह भी आप बना सकती हैं। यह तीनों तेल, चारों तेल आपकी डेंड्रफ की समस्या के लिए, बालों की समस्या के लिए बहुत फायदेमंद है और आप इसको बहुत आसानी से बनाकर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। एक और चीज, आप अगर मड पैक बनाना जानती है, मड थेरेपी जानती है, तो उस मड पैक में नीम पाउडर, आंवला पाउडर, गुड़हल पाउडर और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, बाऊची पाउडर। बाऊची पाउडर आपको बता रही हूँ पर इसका उपयोग सावधानी से करना चाहिए, यह कभी कभी प्रॉब्लम भी करता है, आंखों में नहीं जाना चाहिए। बाऊची एक ऐसी औषधि है जो किसी भी स्किन की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है, यह 10 साल का अनुभव है मेरा। इसलिए बालों की समस्या के लिए, स्कैल्प में किसी भी स्किन की समस्या के लिए यह पैक बहुत फायदेमंद है। यह आप अगर लगाएंगे, 30 मिनट रखेंगे, उसके बाद गुनगुने पानी से वॉश आउट कर लीजिए, तो यह आपकी समस्या का समाधान है और यह प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और अगर आप इसको डेली रूटीन में करेंगे, वीकली करेंगे, 15 दिन में एक बार करेंगे, तो यह समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। आपके बाल लंबे होंगे, घने होंगे, काले रहेंगे, मुलायम रहेंगे और उनकी चमक भी कभी नहीं जाएगी। यह बहुत अच्छी औषधि है, इसका उपयोग आप जरूर। वृंदा जी, एक चीज और बताइए कि आपने पैक बना करके 30 मिनट तक लगा के रखने के लिए कहा, उसके बाद जो वॉश करते हैं वो ठंडे पानी से वॉश करना है या फिर गुनगुने पानी से करना है वॉश? जिस जिसको ठंडा पानी सूट होता है वो कर सकता है, जिसको हमेशा ठंडे पानी से नहाने की आदत है, सिर पे ठंडा पानी डालने की आदत है, वो आसानी से कर सकता है, मगर जिसे ठंडा पानी सूट नहीं होता वो गुनगुने पानी से करें। इसके अलावा और कोई सी ऐसी बात है जो दर्शकों को ध्यान में रखनी चाहिए? आप अपने हाइजीन का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, सीजनल फ्रूट्स लें और फाइबर इंटेक ज्यादा करें। यह सब चीजें आपके बालों के लिए बहुत फायदेमंद। अक्सर रूसी हो जाती है तो लोग परेशान बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कई लोग तो जो छोटी बारीक कंघी आती है उससे भी बाल बनाने लगते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए उनको?
नहीं, देखिए बारीक कंघी के दांते जो होते हैं वो उस जगह जख्म कर देते हैं, बारीक बारीक जो खुजली आ जाती है उसके मुंह हो जाता है, उसके अंदर से ब्लड आने लगता है, पानी आने लगता है। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनको पस पड़ जाता है, इसलिए ये कभी ना करें, आप मोटे कंघे से ही करें। और इसके लिए जो मैंने एक तेल बताया एलोवेरा का तेल, वह बहुत अच्छा बनता है और बहुत फायदा करता है। बाउची पाउडर जो आपने बताया उसे किस तरीके से लगाना चाहिए, इसे एक बार फिर से बता दें। हमने मड पैक बनाया, जैसे मड पैक बनाने का तरीका है, रात को मिट्टी भिगाई, 12 घंटे मिट्टी भिगा के रखी, सुबह उसे अच्छे से फेंट लिया, जैसे हम केक बनाने के लिए फेंटते हैं ना, उसी तरह उस मिट्टी को फेंटना है। अब उस मिट्टी में 2 टीस्पून नीम पाउडर, 2 टीस्पून आंवला पाउडर, 2 टीस्पून गुड़हल पाउडर और उसमें 1 टीस्पून बाउची पाउडर, इसको मिला के उसको बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है। यह जब बहुत अच्छे से फेंट के एक जैसा दिखने लगे उसको आधे घंटे तक वैसे ही रख देना है। फिर उसके बाद आप अपने सिर पर पूरे स्केल्प पे बालों के लिए एलोवेरा की मसाज कीजिए, एलोवेरा लगाइए और उसके ऊपर ये पैक लगाइए, तो यह आपकी समस्या को दूर करेगा। क्या बाउची पाउडर को डायरेक्ट स्किन पे नहीं लगा सकते? डायरेक्ट लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर वो स्ट्रांग होता है। अगर पहली बार लगा रहे हैं तो उसके इफेक्ट देखने पड़ते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लगाने की सलाह नहीं देते। वृंदा जी, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।